بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز مہمانان گرامی رحمت اللہ وبرکاتہ، اس وقت ہم سب لوگ ایک انتہائی زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے گرامی میرے بہت ہی محسن اور مشکل بھائی جن کے ساتھ میرا 75 سال کا ساتھ رہا ہے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت موعود پر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس صدمے کے اظہار کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج تھے، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینین 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی اور 1.3 ان کی کریٹینین کی رپورٹ آئی، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی تھیں، اور آج انہوں نے باتیں بھی کیں اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی، لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات
अपने साथी लगे हुए थे उनकी तरफ से पैगाम आया कि तबीयत बिगड़ रही है। जाकर मैंने देखा तो उनके सांस की रफ्तार, जिसे सैचुरेशन कहते हैं, वो बहुत गिर गई थी। ऑक्सीजन लगाई गई, पूरी पूरी ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। और गालिब गुमान यह है कि सिर्फ एक मिनट का फर्क था कि एक मिनट के अंदर सांस की रफ्तार जीरो तक पहुंच गई। और बजाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिल का हमला हुआ और उसके नतीजे में सांस की रफ्तार भी नीचे चली गई। थोड़ी देर तक जो तदबीरें डॉक्टरों ने बताई थी, टेलीफोन पर उनसे रब्ता भी था और आ भी रहे थे, उसके मुताबिक तदबीरें भी की जाती रहीं, लेकिन जब वक्त अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ आ जाता है तो कोई तदबीर इंसान की काम नहीं करती। ऐसा लगा कि वो हमने जो महसूस किया कि जो अलामतें मॉनिटर पर आ रही थी उनके लिहाज से उनका ब्लड प्रेशर भी गिर गया था और सैचुरेशन भी गिरकर जीरो तक पहुंच गई थी। लेकिन यह उम्मीद भी थी, अल्लाह ताला से आस भी लगाई हुई थी कि जो उनके मालिज हैं वो पहुंचने वाले थे, वो आकर हो सकता है कोई उन्होंने टेलीफोन पर जो तदबीरें बताई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह की गईं। लेकिन जब वो आए और आकर देखा तो उन्होंने हमें यह खबर दी कि अब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बंदे के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु के फैसले पर राजी रहे, दिल में सदमे के तूफान भी हो, रोना भी आ रहा हो, दिल भी बेचैन हो, लेकिन ला नकुलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बना, जैसे कि रसूल करीम सब्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का फैसला है, बरहक है, हर एक इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, कोई उससे खाली नहीं, उससे कोई एक मिनट पहले एक मिनट पीछे उसको नहीं किया जा सकता। अगर कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी किसी इंसान के सांसों में, उसके दिल के धड़कनों में इजाफा कर सकती तो साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सांस के बदले अपनी हजारों जिंदगियां निछावर कर देते। लेकिन जब आपका वक्त आ चुका था, अल्लाहुम्मा रफीक अल आला आपने फरमाया, तो दुनिया से रुखसत हो गए और कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी अल्लाह ताला के इस फैसले को रोक नहीं सकी। आज हमारे साथ, हमारे लिहाज से इस वक्त हमारे माहौल में अपने बुजुर्गी के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपने फजल के एतबार से, अपने कारनामों के एतबार से, अपनी खिदमात के एतबार से इस वक्त उनसे बड़ी शख्सियत मुझे कोई और नजर नहीं आती। लेकिन हर बड़ी शख्सियत एक वक्त उसको जाना होता है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस हालत में अपने पास बुलाया कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ्यूज, उनके शागिर्द, उनके उलूम, उनकी किताबें, उनकी तसानीफ, उनके फतावा अल्हम्दुलिल्लाह सारे सारी दुनिया में फैज फैला रहे हैं। इसलिए जो हरगिज़ ज़मीरदां
के दिल जिंदा शुद बा इश्क, जिसको दिल इश्क से इश्क इलाही से मामूर हो वो मरता नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला उसके फ्यूज को बाकी और कायम और दायम रखते हैं। हम सब के लिए इस वक्त सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होना ही एक मोमिन का निशान है। इस पर जब भी सदमा हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से पढ़ना चाहिए। और मैं आप हजरात से यह दरख्वास्त करता हूँ, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो वक्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके इसाल सवाब के लिए खर्च करें। कुरान करीम की तिलावत करके, नफलें पढ़कर, जिक्र करके, तस्बीहात करके, जिस तरह भी हो उनकी रूह पुरपुटूह को सवाब पहुंचाने की कोशिश करें। एक मसला आप हजरात के पास आने में जो देर लगी, उसकी पहली वजह तो ये थी कि अभी हमें यकीन करना था कि वाकईतन ये हादसा पेश आ गया है, क्योंकि डॉक्टर जब तक तस्दीक न करे उस वक्त तक एक उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद अभी कोई जिंदगी की रमक बाकी हो। डॉक्टर साहब के आने में कुछ वक्त लगा, उनको उन्होंने देखा, उसके बाद के ज़रूरी फौरी इंतजाम करने ज़रूरी थे उसमें मसरूफियत रही, खबर सारी दुनिया में फैल गई और हर तरफ से टेलीफोनों का तांता बंधा हुआ, इस वजह से आप तक पहुंचने और आप तक आपसे बात करने में देर लगी। एक दूसरा मसला इस वक्त यह है कि नमाज जनाजा और तजहीज़ और तकफीन का मरहला दरपेश है, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि उनके जलील कदर साहबजादे हजमाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, वो इस वक्त सफर पर हैं और नमाज जनाजा का वक्त का तायुन इस बात पर मौकूफ है कि उनकी वापसी के लिए जो सीटें बुक कराई जा रही हैं उनका सही पता चल जाए। उनका सही पता चलने के बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि नमाज जनाजा किस वक्त की जाए। जाहिर है कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वो वली या अकरब हैं और उन्हीं से इजाजत लेकर और उन्हीं के मशवरे पर हमें अमल करना है, इसलिए अभी इसका इंतजार है कि उनकी कौन सी परवाज से उनकी सीट होती है। जब वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम ऐलान करेंगे कि नमाज जनाजा कब होगी, और उससे पहले आज रात में ही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो हम रात ही में भी ऐलान करने की कोशिश करेंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा सुबह फजर में ऐलान हो जाएगा। उस वक्त तक आप हजरात पुरसकून रहें और अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह तबारक व ताला से उनकी मगफरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करें और जितना हो सके उन्हें इस आले सवाब करने की कोशिश करें। बस ये चंद कलिमात थे जो मुझे आप हजरात से इस वक्त कहने थे। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल व करम से हमें इस अजीम सदमे को सहारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मिल्लत पर, हमारे कौम पर, हमारे मुल्क पर, हमारे दारुल उलूम पर जो सदमा आया है, अल्लाह तबारक व ताला उसको, उससे, उसकी जिम्मेदारियों से अपने रजा के मुताबिक ओहदा बरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।